नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके के शहीद गेट के पास निर्माणधीन कॉम्प्लेक्स के टीन शेड की चादर से गिरकर एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि युवक लोहा बिनने की शेड के अंदर गया होगा और टीन की चादर पर चढ़कर बाहर आ रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। शेड के किनारे एक छोटा नाला में फंस गया जिससे उसकी मौत हो गई। SI पवन सेन ने बताया कि युवक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन हुलिये से लग रहा है कि वह भीख मांगकर गुजारा करता होगा। आसपास के लोगों से पता चला है कि वह फतेहगढ़ स्थित एक टी स्टॉल के पास फुटपाथ पर रहता था। PM रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आओ ना, मेहनत करते हो तो आया करो भाई, और क्या, मेहनत करो तो वो आए। बोले सर, एक डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये डेड बॉडी की अभी सूचना 20-25 मिनट पहले ही मिली थी कि भोपाल गेट के पास, शहीद गेट के पास पोस्ट ऑफिस के सामने एक डेड बॉडी है जिसको खून बह रहा है। तो अभी मौके पर हम आए हैं, इसके पर संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भिखारी टाइप का व्यक्ति है। और कुछ लोग आने जाने वाले बता रहे थे कि ये राजू टी स्टॉल के पास फुटपाथ पे रात में सोता है, और अभी हमने अंदर जाकर भी देखा है तो शायद ये जो पीछे जो शेड लगा हुआ है उस पर से गिरना प्रतीत हो रहा है। अभी जांच का विषय है, अभी इसको बॉडी को FSL की टीम को भी बताया गया है और बॉडी को मर्चरी रूम हमीदिया में शिफ्ट कर रहे हैं। PM के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।